इतना एक बुफे लगा हुआ है, आप क्या पिक करेंगे? गुड मॉर्निंग, स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस, ध्यान देना चाहिए। मूव अभी शुरू हुआ है, 7360 पे ट्रेड करा है, स्टॉप 7300, टारगेट 7450, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आप क्या पिक करेंगी? गुड मॉर्निंग, हम कंग्रेचुलेशंस फॉर न्यू लाइफ टाइम हाई। और मेरा यहाँ पसंदीदा काउंटर जो है वो है परसिस्टेंट सिस्टम। वीकली बेसिस पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है और डेली में हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है। वॉल्यूम्स भी फेयरली यहाँ पे अच्छे ही इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 6970 के आसपास, उसके लिए खरीदारी करें 6570 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 6703 पे परसिस्टेंट मिड कैप आईटी मैच पिक कर रहे हैं। आईटी मैच काफी स्ट्रॉन्ग मूव, या फिर कह लीजिए शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित सेठ जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी विरेन जी, मेरे रडार पे LTTS है। LTTS में अगर देखें तो एक स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है कल के पुल बैक के बाद। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, 5052 का, 5050 के लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 4980 का और टारगेट्स रहेंगे 5175 के। ओके, आपका ट्रेड यहाँ पे, अमित जी का ट्रेड भी पूरा हो गया। स्क्रीन पर रखिएगा प्राइस, इट्स 50564 LTTS 5056। ओके, आशीष भाई जी, आपका ट्रेड? जी वीरेन जी, मेरे रडार पे भी आईटी LTIM ही आ रहा है, सबसे सेटअप बना हुआ है। मैं लग रहा है यहाँ से भी, इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है लार्सन टुब्रो एंट्री में, और एक अच्छा मूव यहाँ से भी देखने मिल सकता है। खरीदारी की सलाह है LTIM में, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 7800 का एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 5900 और 5950 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, राजेश जी, आपकी पिक क्या रहेगी? अनुज जी देखिए, मेरी नज़र फाइनेंस पे है और उसमें से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस। मुझे लगता है आज यहाँ पे जो करेक्शन था दैट सीम्स ओवर, इंपॉर्टेंट लेवल्स का सपोर्ट लेके यहाँ पे मूव शुरू हुआ। राजेश जी, राजेश जी, बजाज फाइनेंस गाबा सर ले चुके हैं, पहला ट्रेड था। ओके ओके ओके, देन इन दैट केस मैं IDFC बैंक को ले लूंगा। IDFC फर्स्ट बैंक 88.65 चल रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 87 का और इंट्राडे का टारगेट सेट करें 92-94। ओके मानस, आपका पिक? तो देखिए, फाइनेंस शेयर से ही खरीदारी करने की राय रहेगी। श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करनी है, स्टॉक करेक्ट हुआ है, 20-day मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए श्रीराम फाइनेंस में। 2004 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2110 के टारगेट सेट करने हैं श्रीराम फाइनेंस में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो श्रीराम फाइनेंस का 2040 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 56 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से 80 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अच्छा आईटी में धूम देखिए आप, एम्फेसिस, कोफोज, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, टॉप चार के चार एफएनओ गेनर्स मिड कैप आईटी से। शरद जी, कोई पिक करना हो तो कौन सा पिक करेंगे? इनमें से मुझे लगता है एम्फेसिस एक बेटर बेट होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका डिपेंडेंस है अमेरिका पे और BFSI स्पेस पे भी। लगभग शायद BFSI इंश्योरेंस मिला के उनका 60-62% हिस्सा वहां से आता है, तो लोअर इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्ट्री में वहां से उनको काफी फायदा होना चाहिए। प्लस अमेरिका से लगभग 82% आता है, उससे भी फायदा होना चाहिए। तो 3,000-3,500 के लक्ष्य मुझे लगता है एम्फेसिस में पॉसिबल है, और छोटी कंपनीज में वैल्यूएशन कंफर्ट और ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है मैस्टेक एक बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकता है आने वाले समय के लिए। गाबा सर गुड मॉर्निंग, गाबा सर आज का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। वेल, आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो है हीरो मोटर्स। अच्छी तेजी देखी कुछ 7-8 दिन कंसोलिडेशन के बाद, कल अपमूव शुरू हुआ है, बंद हुआ है 3861 पर, क्लोज हुआ है, स्टॉप होगा 3820। मुझे लगता है ये 4000 की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके पहले जो टारगेट रहेगा 3950, वहां पर एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन 4000 का टारगेट है। हीरो मोटर्स स्टॉप 3820। बाय। मैम मान गई क्या स्टॉक के लिए ना या बाइक के लिए? गवर्नर सर, मैम मान गई क्या? नहीं नहीं, वो का वो तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही गया। अब इट्स हिस्ट्री ना, अभी अनुज का दोनों का हुआ। हाँ, मेरा तो खैर मैं ट्रेड में एंटर ही नहीं कर पाया, स्टॉप लॉस तो बाद में ट्रिगर होगा, वो उससे पहले ही वो वीटो हो गया।
तो खैर इसके लिए, खैर मेरे केस में मेरी बेटी का वीटो था तो इसके लिए चलिए। खैर ये होगी गावा सर के पिक। मानस गुड मॉर्निंग, मानस क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी है। कल क्लियरली एक ब्रेकआउट केस था, कंसोलिडेशन के बाद हमने कल ब्रेकआउट देखा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की जा सकती है, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, या अगर अगर मैं सोचूं शायद अगर 4-5 रुपए ऊपर भी खुले और 625 के नीचे बस खुले तो भी आप खरीदारी करिए। उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस 617 के रहेंगे, 617 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 645 के रहेंगे। एक चीज मैं और मेंशन करूंगा, अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। इस ब्रेकआउट के टारगेट 100 रुपए ऊपर आते हैं करंट लेवल से, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले करीब 1 से 2 मंथ में हमें 720-725। अच्छा बिल्कुल ठीक, SBI जा रहा है भाई लपक तेजी, 630 मोटा मोटी है इसके अब तक के उच्चतम स्तर। मानस ले जा रहे हैं इसको फिलहाल के लिए 645 पे, यानी कि अपने नए हाईस पे जाने की SBI कर रहा है तैयारी। और इस पर चर्चा भी हुई थी, अप फ्रंट चर्चा हुई थी जब कमेंट्री करी थी कि SBI रखिएगा रडार पे। ये आ गया देखिए पिक भी। खैर रैप अप, बाकी लेवल्स वेवल सब बाद में करूंगा, पहले चला जाए बाकी के पिक्स लेने के लिए। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल कौन सा साहब? आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए नजर डेफिनेटली बैंकिंग पे है, बैंकिंग एंड फाइनेंस। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी नजर रखेंगे तो चोला फाइनेंस, इसका पैटर्न बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है आशीष जी, कल हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं ये टस से मस नहीं हुआ, ये अपने अपने लेवल पे खड़ा था इंटैक्ट। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और नेकलाइन जो है करीबन 1170 के आसपास है। तो 1170 को सामने रखते हुए हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1160 का, और अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका टारगेट बनता है कम से कम 1260-1270, तो बड़ा मूव मिलना चाहिए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम 1220 ये इसका पहला टारगेट लेंगे। सो 1220 टारगेट वन, 1260-1270 टारगेट टू। ओके 1220-1260 ये सब टारगेट्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए चोला मंडलम में। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी मेरा अभी का टॉपिक रहेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक ने 1000 के लेवल पे एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया है। स्टॉक में अपने काफी विजावेज बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक देखे तो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखा है। इसका रेशियो चार्ट अगर देखें, रेशियो लाइन देखे तो वहां पे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस अब एंड करेगी एंड इट्स टाइम टू कैच अप। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, मोमेंटम इंडिकेटर्स वेल प्लेस्ड है। तो ICICI बैंक में बाय की सलाह है। 1013 के लगभग इसका प्राइस है कैश में, 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1035 पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।